है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। खरंजा विवाद में बीच बचाव करने आई अधेड़ सहित उनका बेटा हुआ घायल। बता दें, फिरोजाबाद थाना एका के गांव फरीदा का मामला है। लाया गया घायल को सरकारी ट्रामा सेंटर और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने दिया प्राथमिक उपचार और गोली लगने की पुष्टि नहीं की है। बताते चले, फिरोजाबाद थाना एका के गांव फरीदा में खरंजा निकालने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें बीच बचाव करने आए एक अधेड़ व्यक्ति और उनका बेटा घायल हो गया। दोनों को सरकारी ट्रामा सेंटर लाया गया। अधेड़ ने गोली पैर में लगने की बात कही है। बताते चले, थाना एका के गांव फरीदा में खरंजा निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। इसी दौरान यहीं के निवासी 50 वर्षीय महेश चंद्र पुत्र सुल्तान सिंह बीच बचाव करने लगे। उनका आरोप है कि तभी एक पक्ष ने गोली चला दी जो कि उनके पैर के पास लगी। वहीं उनका बेटा 28 वर्षीय उपेंद्र भी घायल हुआ। दोनों को सरकारी ट्रामा सेंटर लाया गया और यहां प्राथमिक उपचार दिया गया। फिलहाल ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने अभी गोली लगने को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? महेश चंद। अच्छा, ये क्या घटना क्या हुई है, ये आपको चोट लगी है? घटना क्या हुई, मैं लड़ाई है रही, हमने बीच बचाव करो, हम खड़े ऊपर चढ़ के गोली मार दी इसी लिए, और बच्चों मैं मार रहा हूँ, भी बच गए, हमने मार दी गोली। किस बात को लड़ाई हो रही थी? अरे कौन लोग थे वो? एक खरंजा बन रहा हूँ मैं, तो विवाद हो रहा हूँ, एक खाद पड़ रहा हूँ, इनको स्कूल बनवा बाइक फंसी इनको, उसके सारे साफ है उनके विवाद करो, प्रधान के लिए फोन करो, प्रधान आओ ना, जैसी मशीन आ गई चल गई चले, तुम्हें प्रधान आ जाए सब चले, इतनी बात है, गाड़ी भी लड़ जाए ऊपर चले गए। गाड़ी क्या मारा है आपके? आपके क्या मारा, क्या मारा है? गोली मारी है राइफल की। कौन लोग थे वो? वो कश्मीर का लड़का था संदीप। क्या नाम है आपका? उपेन जी, किस तरह की घटना है, क्या हुआ था? अरे हमारा हम भी चाह रहे थे, विवाद हो गया और ये हमारे गए थे, इस तरह हम आ रहे थे, हमारे लड़की ने क्या मामला क्या था, क्या मामला? रोड का था। गोली कहाँ लगी है? गोली दोनों टांगों में लगी। चलाई किसने थी? कैसे चलाई थी? गया था। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं क्या? कहाँ लगी है इनके?